उनका अभिनंदन करते हुए जिन युवाओं ने इस प्रतिस्पर्धा में प्रमाण पत्र प्राप्त किया है उन सब के साथ साथ सभी खिलाड़ियों के प्रति अपनी उज्ज्वल मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। संयोग से आज जब सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा का यहां समापन हो रहा है, आज 12 जनवरी है, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद का पावन जयंती का वर दिन, पूरे देश के अंदर भारत के गौरव को वैश्विक मंच पर पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद का यह पावन जयंती खेलकूद प्रतिस्पर्धा में हमारे युवाओं को एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आप याद करिए, आज से 7 साल पहले, 10 साल पहले ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज जंगल कौड़िया में पूज्य महाराज जी के नाम पर इतना अच्छा कॉलेज भी है, इतना अच्छा स्टेडियम भी है, अखाड़ा भी है और साथ साथ खेलकूद से जुड़ी हुई सभी विधाओं के लिए एक मंच भी है। कॉलेज से जुड़े होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के हमारे खिलाड़ियों के लिए यह एक मंच भी उपलब्ध करा रहा है। तो कलाकारों के लिए यहां ऑडिटोरियम भी बना हुआ है, यानी एक साथ कई प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ खेलकूद की प्रतियोगिताओं का भी सफलतम आयोजन यहां पे आयोजित हो सकते हैं। ये जो कुछ भी आज हो पा रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से संभव हो पाया है। उन्होंने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, आज वही कार्यक्रम देश के अंदर फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, अन्य तमाम प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से आगे बढ़ते बढ़ते आज वह स्थिति में पहुंचा है कि हर गांव में भी एक नई प्रतिस्पर्धा हो रही है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, खेलकूद की प्रतिस्पर्धा हमेशा स्वस्थ होती है और उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हम स्वयं भी यहां पर आए हैं। आज मैं प्रातःकालीन सत्र में लखनऊ के एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में था, प्रदेश भर के विश्वविद्यालय के युवा उससे जुड़े हुए थे, हमने युवाओं के साथ संवाद भी मनाया और प्रदेश भर के युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के खिलाड़ियों का सम्मान भी किया। आप सोचिए 80,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को प्रदेश में अब तक स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए गए हैं। सरकार की मंशा है गांव में, हर गांव में स्कूल के साथ खेल का मैदान भी हो, ओपन जिम का निर्माण भी हो, हर गांव में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण भी हो, हर गांव के पास हर पंचायत भवन में ऑप्टिकल फाइबर के साथ हम जोड़ करके गांव की सभी प्रकार की सुविधा का लाभ गांव के नौजवानों को गांव के अंदर ही उपलब्ध करवाने का कार्य करें। आज यह सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था इससे पहले कि गोरखपुर में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर बंद कारखाना फिर से चल गया है, एम्स गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य का केंद्र भी खुल गया है। गोरखपुर को जंगल कौड़िया कैंपियरगंज से जोड़ते हुए नेपाल से जोड़ने वाला मार्ग आज 4 लेन और 6 लेन का बन रहा है और साथ ही साथ जहां जिस प्रकार की आवश्यकता थी, कहीं इंटर कॉलेज बन रहे हैं, कहीं आईटीआई बन रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक बन रहा है, कहीं औद्योगिक केंद्र बन रहे हैं, हर प्रकार की खेल जनता की और युवाओं की आवश्यकता के अनुरूप जहां गतिविधियों का आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, वहीं साथ साथ शरीर को फिटनेस के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक फिटनेस आवश्यक है,
और शारीरिक फिटनेस के माध्यम से जो व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट होगा वो मानसिक रूप से भी फिट होगा। हमें केवल विद्यार्जन ही नहीं करना है, खेलकूद की गतिविधियों में भी भाग लेना है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना है। सर्वांगीण विकास का रास्ता वहीं से प्रारंभ होता है और आज सरकार की यही मंशा है कि राष्ट्रीय स्तर की हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, जिस भी प्रकार की प्रतियोगिताएं हो, हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए युवा उसमें अपना स्थान बनाए। और इसके लिए उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपनी खेल नीति के तहत प्रदेश के युवाओं को, जिन्होंने ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में या नेशनल गेम्स में कोई मेडल जीता है उसे हम सरकारी नौकरी देंगे, उसके लिए अलग से प्रावधान कर दिया गया है। आपने अभी देखा होगा एशियन गेम्स में एक बालिका पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। पहले चीन की खिलाड़ी उससे आगे चल रही थी लेकिन अंतिम कुछ ही सेकंड में उसने इतनी स्पीड अपनी बढ़ाई कि चीन को पछाड़ते हुए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का काम उस बालिका ने किया। और जब उससे पूछा गया कि गोल्ड मेडल कैसे जीत लिया, उसने कहा साहब मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के इस घोषणा पे विश्वास था कि अगर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद प्राप्त करना है तो गोल्ड मेडल होना आवश्यक है और इसके लिए डिप्टी एसपी का पद मुझे सीधे मिल सके, इसके लिए मैंने चीन को पछाड़ दिया। यानी अगर सरकार की कोई कार्यक्रम है, कोई नीति है और हमारा युवा उससे प्रभावित होकर के आगे बढ़ता है, ये एक उपलब्धि होती है। और सरकार ने इन्हीं युवाओं के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की है, ढेर सारे अवसर दिए जा रहे हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले के लिए सरकार ने 6 करोड़ रुपए की एकल गेम में उसके लिए व्यवस्था की है। ऐसे ही सिल्वर मेडल में भी, कांस्य मेडल में भी, उन सब के लिए प्रावधान किया है, नौकरियों की व्यवस्था भी की है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हर जनपद में स्टेडियम, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ओपन जिम का निर्माण भी है, खेल के मैदान का भी है, स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इन सब का एक ही उद्देश्य है, हमारा युवा अपने को न केवल अपने परंपरागत पाठ्यक्रम में, बल्कि परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ वह खेलकूद की गतिविधियों के साथ साथ लोक विधान, लोक सांस्कृतिक परंपराओं में भी आगे बढ़ सके। और इसी विश्वास के साथ ये सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रदेश भर में, पूरे देश भर में हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आपके सांसद कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। रवि किशन के फिल्मों को देखे हो, कितने लोगों ने देखा है? फ्री में देखा या पैसा लेकर के? उन्होंने फ्री में फिल्म दिखाई कि नहीं दिखाई? दिखाई है ना। और देखे खेलकूद की प्रतियोगिताओं को भी आयोजित कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। और इससे पहले सांसद सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा का कार्यक्रम भी आयोजित किया था, मैंने सुना था कि यहीं पे हुआ था कार्यक्रम। इसमें भी गांव गांव के कलाकारों को, अलग अलग प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए कलाकारों को, वे वादन से भी थे, गायन से भी थे, नृत्य से भी थे, नाटक से भी थे, अलग अलग प्रकार की विधाओं को उन्होंने उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया। और यही सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आज के इस अवसर पर मैं सभी विधायकों के साथ मिलकर के, उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया और जंगल कोड़िया में इस स्टेडियम का बेहतर उपयोग करते हुए यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के समापन का मंच इसी पूज्य महाराज जी के नाम पर स्थापित महाविद्यालय में किया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूं।
आप सभी को खिचड़ी त्योहार मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अभी से शुभकामनाएं देता हूं। और 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। अयोध्या में भव्य मंदिर में निर्माण के साथ ही प्रभु राम का विराजमान होना, यह एक नए युग की शुरुआत होगी। हमारा क्या दायित्व बनता है? हमारा दायित्व बनता है कि 14 जनवरी से हर गांव में, हर कस्बे में स्वच्छता के बृहद अभियान का हिस्सा बने। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी वितरण करवाएं, हर व्यक्ति को, गरीब को, हर उस व्यक्ति को, जरूरतमंद को खिलाने का प्रयास करें। और साथ साथ उसके बाद 16 जनवरी से हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ या राम नाम संकीर्तन का कार्यक्रम हो। यह कार्यक्रम लगातार चले और 22 जनवरी के कार्यक्रम को आप लाइव देखिए, अयोध्या के कार्यक्रम को आप लगातार देखिए, और कार्यक्रम को देखने के बाद आप भंडारे का आयोजन अपने गांव में करिए। हर गरीब को खिलाइए, हर जरूरतमंद को खिलाइए, गांव वालों को खिलाइए, कपड़े ऊनी वस्त्र वितरण करिए। सायंकाल अपने घर में, अपने मंदिरों में, घाटों में दीपोत्सव का, राम ज्योति के उत्सव के साथ जुड़ करके दीपोत्सव का भव्य आयोजन करके नए युग की शुरुआत करिए। आप सबको अयोध्या में प्रभु राम के अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने की इस कार्यक्रम के अवसर पर अभी से मैं हृदय से बधाई देता हूं। और जब अयोध्या में एक कार्यक्रम संपन्न होगा उसके बाद इसी एक तिथि को अपने विधायक जी, अपने सांसद जी के साथ जुड़ाव रखिए और किसी एक तिथि के लिए हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे कि अयोध्या में आप लोगों को दर्शन भी करवाएंगे, अयोध्या का, नई अयोध्या का दर्शन भी करवाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? कितने लोग अयोध्या जाने के इच्छुक हैं? सभी लोग तैयार हैं ना? तो फिर उसकी तैयारी भी करेंगे। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।